तो पूछता है उत्तराखंड की पुलिस कर्मियों की ग्रेट पे को लेकर सीएम का नया फॉर्मूला विवाद को खत्म करेगा या फिर एक नया बवाल लेकर आया है। पुलिस कर्मियों में ग्रेट पे को लेकर सीएम का फॉर्मूला और अब इस फॉर्मूले को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भले ही डीजीपी अशोक कुमार इस फैसले की सराहना करें, लेकिन जिनको इसका लाभ मिलना है वो सवाल उठा रहे हैं। लंबे समय से पुलिस कर्मियों के ग्रेट पे को लेकर चल रहे आक्रोश को थामने के लिए सीएम ने एएसआई का नया पद सर्जित करते हुए 1750 नए पद मंजूर करने के आदेश जारी किए हैं। नए रैंक का ग्रेड पे 4200 होगा। सीएम के फैसले को पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने तो इसकी सराहना की, लेकिन पुलिसकर्मी जिनको लाभ मिलना है वो नाराज क्यों हैं? सरकार का फैसला उन्हें रास क्यों नहीं आ रहा? पुलिस कर्मियों का दरअसल यह कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस फैसले के खिलाफ पुलिसकर्मी कोर्ट जाने तक की तैयारी कर रहे हैं। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मी और उनके परिजन लगातार आंदोलन करते हुए आए। इसके लिए परिजन कई बार सड़कों तक पर उतरे और कार्रवाई तक हुई। सरकार पुलिसकर्मियों के जो आक्रोश था, गुस्सा था, उसको थामने के लिए लंबे समय से मंथन कर रही थी सरकार। अब सरकार ने विभाग में एएसआई का पद सर्जित कर उन्हें 4200 ग्रेड पे का वादा किया है, रास्ता तलाशा है। पुलिस विभाग में सिपाहियों के 17500 पद हैं, जबकि हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं, लेकिन अभी तक विभाग में एएसआई का पद नहीं है। माना जा रहा है कि यह रास्ता निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यह विवाद 7 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक नहीं सुलझा। सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे के विवाद का जो पूरा मामला है वो 7 साल पहले शुरू हुआ तो सुलझा क्यों नहीं? यह भी एक दिलचस्प कहानी है। उत्तराखंड पुलिस में सिपाहियों की पहली भर्ती 2001 में हुई थी, जब उत्तराखंड बना था 2001 में। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय समय सीमा थी 8, 12 और 22 साल। पदोन्नति के लिए 8, 12 और 22। सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड पे होता था उस वक्त। इसके बाद 8 साल के बाद उन्हें जो 2000 मिलता था वो 2400 हुआ, और 12 साल के बाद 4400, और 22 साल की सेवा के बाद 4800 देने का प्रावधान था। अब इस बैच के सिपाहियों को साल 2013 में 4600 रुपए ग्रेड पे का लाभ मिलना था। कितना? 4600 का। लेकिन उसके पहले ही सरकार ने समय सीमा बदल दी। सिपाहियों को साल 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था, मगर समय सीमा बढ़कर कितनी हो गई? 10, 20 और 30, यानी कि नियम ही बदल गया। पिछले दिनों शासन ने ग्रेड पे को ही घटा दिया, और सिपाहियों का अब यह कहना है कि जब उनका नंबर आया तब नियम बदलकर उनके साथ धोखा कर दिया गया, जबकि सरकार सत्ता में आने से पहले यह वादा कर रही थी कि आपको ग्रेड पे किसी भी हाल में मिलेगा। तो क्या यह रास्ता सुलझ गया या फिर विवाद बढ़ गया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं दो बयान, एक मुख्यमंत्री का और राज्य के डीजीपी का, और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये मांग चल रही थी और समाधान निकालने के लिए बहुत प्रयास पहले भी हुए। अभी हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद एक समाधान का ये नया रास्ता निकाला है, और मैं समझता हूँ कि इससे जहाँ सभी को, हमारे जो पुलिस में भर्ती होने वाले कांस्टेबल हैं उन सभी को एएसआई तक जाने का मौका मिलेगा। साथ में सब मिलाकर 5200 से भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रोन्नत होने का भी मौका मिलेगा। इससे कहाँ हमारी पुलिस की जो कार्य क्षमता है, उनकी एक ऊर्जा है, वो सकारात्मक दिशा में और बढ़ेगी और अच्छा काम करेंगे, उनके प्रोत्साहन के लिए नई व्यवस्था निकाली। बिल्कुल संतुष्ट हैं, मैंने जवानों से बात की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फैसला है, जो समाधान है, उसका मैंने स्वागत किया है, और मैं उनका आभारी हूँ जो उन्होंने जवानों की समस्याओं की गंभीरता को समझा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे 50% से ज़्यादा जवान कांस्टेबल पद से ही रिटायर हो जाते थे, और किसी विभाग में ऐसा नहीं है। 35 साल की नौकरी करेंगे, कांस्टेबल में भर्ती हुई, कांस्टेबल से ही रिटायर।
तो इस फैसले के बाद अब मुझे उम्मीद है कि 95% से ज़्यादा जवान एडिशनल एसआई बनके रिटायर होगा कम से कम। सर, ये एडिशनल एसआई बनने की तो डिमांड पहले भी थी, धरने विरोध प्रदर्शन भी रहे, तो क्या अब ऐसा नहीं है कि अब विरोध नहीं होगा सर उस पैमाने पर? देखिए, जो विरोध करेगा ना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो पहली बात तो हमने बात कर लिया है, हमारे जवान पूरी तरह संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनको सम्मान की नौकरी मिल रही है, उनको उनकी उनके काम के उसमें इजाफा होगा, उनको विवेचना के अधिकार मिलेंगे, उनको और बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई विरोध करता तो इनडिसिप्लिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। तो विवाद खत्म या फिर यहां से शुरू हुआ नया बवाल। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दूं कि आज इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त रविंद्र वाल्मीकि जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। मेरे साथ शिषपाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के धुरंधर नेताओं में से एक है। मेरे साथ संगीता जी जुड़ गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगा, ये विवाद सुलझ गया या फिर विवाद की अभी शुरुआत हुई है, एक नया बवाल तैयार है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले पुलिस कर्मियों के परिवारों से जो वादा किया था, क्योंकि सारी की सारी अगर कहीं ना कहीं कोई आंदोलन जैसा कर रहे थे तो इनके परिवार के लोग थे, और पुलिस कर्मियों को जो भरोसा दिया था कि आपको जो आपका मानदेय ग्रेड पे जो आपका बनता है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। सर, तो कितना कहा था? देखिए, 4600 रुपए की मांग थी, जो तय था 4600 रुपए का था, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4600 कहा था ना, इसमें तो आप कितना होगा सर? देखिए, मैं तिलक भाई थोड़ा सा अपनी बात को पूरा कर लूं तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। मैं सारी चीजें आपने भी बताई है, मेरा वर्जन भी आप सुन लेंगे। नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था, आपने वादा कितना किया था और आप कितना दे रहे हैं, बस छोटा सा सवाल था। नहीं नहीं, देखिए, वादा को ऐसा नहीं था, वो 4600 रुपए इनका ग्रेड पे जो सिस्टम के द्वारा बना हुआ था, 10 साल 20 साल फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो 4600 रुपए था, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद होता क्या है कि इसमें एक मुख्यमंत्री ने फिर उसके बाद जैसे ही इसको करने का समय आया, चुनाव आचार संहिता लग गई, काफी सारी चीजें हुई, लंबे समय से ये इनकी मांग भी थी, इस पे काफी समय से सरकार जो है तुरंत सत्ता में आते ही इसके ऊपर काम शुरू हो गया था कि किस तरीके से इसका हल निकले, और आज इतना जिसे कहते हैं कि एक सम्मानजनक हल निकला है, जिसमें 1750 हेड कांस्टेबल के नए पद और सर्जित हो गए, एएसआई के 1750 पद और सर्जित हो गए, जिसमें मानदेय के साथ साथ सम्मान का भी ध्यान रखा गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से जरूर इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा कि जो एक मांग थी पुलिस कर्मियों की, उनके परिवारों की भी, जो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हमारे साथ कुछ ना, आज आपने कहा कि मतलब आपने जो वादा किया वही वादा आपने पूरा नहीं किया, लेकिन 4200 पे मामला अटक गया। आपने आपने जो है 4200 पर मामला अटका दिया। देखिए, नहीं नहीं, आप इसे ऐसे ना समझिए तिलक भाई, मैं ये मान रहा हूँ, देखिए, इसमें सरकार के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स, माननीय डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी देखिए जिस प्रकार से कहा, आप इसे समझिए कि एक तरीके से जब एक हेड कांस्टेबल रिटायर होगा उसका एएसआई के मार्क करके उसको रिटायरमेंट मिलेगा, एक सम्मान की बात है, और दूसरा एक एएसआई बनने पे विवेचना करने वालों की संख्या भी इस प्रदेश में बढ़ेगी, और अच्छा, विवेचना करने में हमारे पास और अच्छा, आने वाले भविष्य में मैं हो सकता है कि गलत भी हूँ, एक छोटा सा सवाल फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ शिषपाल जी के पास। मैंने कुछ तलाशने की कोशिश की, लेकिन एएसआई जो पद का जिक्र आप कर रहे हैं किसी भी राज्य में 4200 ग्रेड पे नहीं दिखाई दिया मुझे, क्या मैं सही हूं या गलत? देखिए, मैं इस बारे में, देखिए, जहां मैं करेक्ट नहीं हूं, मैं आपसे इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप एएसआई की ऐसी पोस्ट दिल्ली पुलिस में भी होती है जी, जिसमें लेकिन ग्रेड पे शायद 4200 नहीं है उसका।
देखिए मैं ग्रेड पे के लिए मैं आपसे तिलक भाई कह रहा हूँ ना, मैं इसमें करेक्ट नहीं हूँ तो मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो प्रदेश में 4600 रुपए की जो इनका मानदेय बनता था, जो डिमांड थी, उसे कहीं ना कहीं सरकार ने सम्मान के साथ 4200 रुपए लेकर इनको देने का जो काम किया। और आप एक बात और सोचिए कि एक एक्सपर्टीज इस प्रदेश में विवेचना करने का अधिकार, विवेचना अधिकारी, एक नई विवेचना अधिकारियों की एक नई फौज हमारे पास तैयार होने वाली है, जो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जो पुलिस के जो नए नवयुवक आएंगे उनको कहीं ना कहीं बहुत सहारा और शीशपाल जी बनाने का काम जो शीशपाल जी ये करेंगे। शीशपाल जी, अभी कुछ दिन पहले इस पर मैं चर्चा कर रहा था, कई गणमान्य नेताओं ने मुझसे कहा कि इस पर ज्यादा चर्चा मत करो, दिक्कत वाली कहानी है, रहने दो। लेकिन फिर भी मैंने इस पर चर्चा की थी और मुझे याद है कि आप उस चर्चा में शायद शामिल थे। तब आपने एक बात कही थी कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं सुलझा पाएंगे, ये पुलिस कर्मियों का सम्मान नहीं करते हैं, इनके बूते की बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने तो रास्ता निकाल लिया, अब आप क्या कहेंगे? देखिए तिलक जी, रास्ता निकाल नहीं लिया, रास्ता उलझा दिया इन्होंने और इस समस्या को। आप देखिए, पुलिस कर्मी मांग कर रहे थे 4600 रुपए ग्रेड पे की और मंजूर क्या किया इन्होंने 4200 रुपए ग्रेड पे। अब आंदोलन जस की तस, पुलिस कर्मियों की मांग जस की तस, आखिर ये घुमा क्यों रहे हैं बातें? पुलिस कर्मियों की ओर से ये साफ हो गया है कि देखिए ये 1750 पद जो आपने क्रिएट किए हैं, अब इस पद का स्टार लगाने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, पैसे का मामला पैसे से सुलझता ना तिलक जी। मुझे समझ में नहीं आती कि इनकी सरकार की समस्या क्या है। इनको निश्चित तौर पर अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और अधिकारी पता नहीं, और मुख्यमंत्री भी गुमराह हो जा रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस कर्मी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये इनका अधिकार है, क्योंकि इनको इनसे पूर्ववर्ती जो भी लोग हैं उन सबको ये मिलता है ना। जब उनका अधिकार है तो अधिकार से उनको वंचित क्यों किया जा रहा है बताइए? उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उन सबको ये रिटायर भी उस ग्रेड पे को लेके हुए हैं, जो अभी कार्यरत हैं उनको भी इसका लाभ ले रहे हैं, तो ये उत्तराखंड में इस प्रकार की समस्या क्रिएट क्यों की गई है? तो ये रविंद्र जी कंफ्यूजन क्लियर करिए, शीशपाल जी कह रहे हैं उलझा दिया आपने। अब एक मिनट शीशपाल जी, जो बात आपने कही, फिर मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। शीशपाल जी कह रहे हैं कि रविंद्र जी आप लोगों ने और उलझा दिया, ये सुलझाया नहीं है मसला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुलझ गया तो आप गलत फहमी में हैं। देखिए कांग्रेस का काम तो परसेप्शन की पतंग उड़ाना है, इनको पतंग उड़ाने दीजिए। जिस प्रकार से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुलिस कर्मियों के हित में एक सम्मान के साथ इनका मानदेय बढ़ाया, ये कहीं ना कहीं एक एक हर्ष का विषय भी है। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस, देखिए अशोक कुमार जी ने, माननीय डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि इसमें सारे पुलिस कर्मियों से बात होने के बाद इनको और लगभग सभी लोग राजी हैं। अब अगर ये नेगेटिव परसेप्शन की पतंग अगर उड़ाना चाहते हैं तो ये उड़ाते रहे, लंबे समय से उड़ा रहे हैं। जल्दी से शीशपाल जी, फिर मैं संगीता जी आ रहा हूँ। शीशपाल जी जल्दी से, वो कह रहे हैं कि बात पुलिस कर्मियों से हो गई, बेवजह आप टांग अड़ा रहे हैं, उसमें विवाद सुलझा दिया गया। देखिए तिलक जी, मैं कह रहा हूँ इनको कुछ, मुझे लग रहा शासन प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत है, इनको समझ की थोड़ी कमी है, अधिकारी गुमराह करे। अभी मैं डीजीपी का वर्जन सुन रहा था, इसमें डीजीपी कह रहे नहीं जी बहुत अच्छा फैसला है पुलिस कर्मियों को वगैरह, और वहां पत्रकार पूछ रहे थे साहब अगर फिर भी संतोष, कह रहे हमारे पे डंडा है अनुशासन का, मतलब ये डंडे से धमकाएंगे ये पुलिस कर्मियों को? भाई उनकी उचित मांग है, आप बोलिए कि नहीं है पुलिस कर्मी संतुष्टि से, ये तो सात साल पुरानी मांग है ना। शीशपाल जी, शीशपाल जी गुमराह ना करे ना शीशपाल जी, अगर आप चार कदम आगे चार आपने आपने सुलझा दिया था, आपने सुलझा दिया था अपने राज में, 7 साल पुरानी मांग है। 2013 में, 2013 के जियो को आप अगर कहीं से ढूंढ लें तो आपको पता लगेगा कि हमारी सरकार के दौर में स्पष्ट 2013 का जियो है, ये दिया जाए। ये अभी त्रिवेंद्र सरकार में उलझा ये सारा मामला, आप अगर पुलिस कर्मियों को पता करें। अच्छा, मतलब बोगड़ा जी ने, सुलझा दिया था, बोगड़ा जी ने सुलझा दिया था, ये त्रिवेंद्र जी ने उलझा दिया। सेवंत पे आप बताइए तो, ये नया डीओ जो इनके त्रिवेंद्र सरकार में आया है उससे ये सेवंत पे कमीशन के बाद उलझा है इनका, जो सीधा जो है संगीता जी ग्रेड पे दिया जा रहा है। संगीता जी, बोगड़ा जी ने सुलझा दिया था, त्रिवेंद्र जी ने उलझा दिया, ये बात शीशपाल जी कह रहे हैं। कह रहे हैं हमने तो 2013 में विजय बोगड़ा जी ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने
ग्रेट पे को जो है वो जियो जारी कर दिया था, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने उलझा दिया। बोगना जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था। संगीता जी, आप संगीता जी तिलक दिला के रोक कहा कि 1750 जो लोग हैं उनके लिए किया जाएगा और वो भी सीनियोरिटी के हिसाब से। तो जो 2001 बैच के लोग हैं उन्हें तिलक भाई इससे नुकसान। संगीता जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले साल बाद रेट से बदलता था, फिर 10 साल बाद रेट से बदलता था और अब इस नियम से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है तिलक भाई जी? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, अपनी बात रखिए, आप आ रही है। लेकिन हेलो, मैं इसको उनको ग्रेट पे से नहीं। संगीता जी कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार फ्रेम फ्रीज हो रहा है आपका। ये वाल्मीकि जी, मैं संगीता जी के पास जाऊं, मुझे एक बात समझाइए। ये ग्रेट पे को लेकर आप कह रहे हैं सुलझा लिया, शिषपाल जी कह रहे हैं आपने उलझा दिया, अब रास्ता क्या दिखाई देता है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो नाराज पुलिसकर्मी है उनके परिवार वाले कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए, अब ये एक विभाग का मामला है, ऐसे समझिए कि पुलिस कर्मी जो है एक विभाग के तहत राज्य सरकार में नौकरी करते हैं। अब उस विभाग की अपनी क्या जिम्मेदारी है, अगर कोई इसमें किसी का विरोध है तो वो अपनी बात अपने अधिकारी से रख सकता है। लेकिन जहां तक रही बात इसकी कि मुझे नहीं लगता कि अब इसमें इस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई विरोध की संभावना या विरोध करने का कोई कारण बचता है। आप 4600 रुपए से 4200 रुपए कर दिया, और दूसरा उसके साथ साथ एक आपको पदोन्नति के लिए एक स्टार मिल गया, एएसआई की आपके पास एक एक पद का सर्जन हो गया, आपको विवेचना करने का नया अधिकार मिल गया। ये एक सम्मान भी है ना। अभी जिस प्रकार से शिषपाल जी कह रहे थे सम्मान क्या होता है, यहाँ तो रोटी खाने के लिए चाहिए। अरे भैया, आपको क्या जवाब दूंगा बापा को? आप सम्मान भी जिसके पास, वो क्या रोटी खाए और क्या कहे? आप मेरी बात समझ नहीं आई शिषपाल जी, आपने जिस प्रकार से कहा है। अरे तिलक जी, ये पुलिस कर्मियों की ओर से कहा जा रहा है। रविंद्र जी, पुलिस कर्मी इस बात को उठा रहे हैं, उनके परिजन इस बात को उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। आप उनकी भावनाओं को समझिए। और ये मैंने नहीं कहा, आज अखबार में छपा हुआ इतने बड़े बड़े अक्षरों में। अरे आज अखबार में छपा, मैं कटिंग भेजता हूँ आपको। कर्मी के परिवार ने अगर ऐसा बयान दिया हो कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं आप जो कहोगे मैं करूंगा। अरे वो सामने आएंगे तो तुम उनको सस्पेंड करोगे? अभी 4 पुलिसकर्मी सबसे सस्पेंड किए तुम्हारे विभाग ने, तुम तो अनुशासन का डंडे का डर दिखा रहे हो उनको। कौन आएगा सामने बोलने के लिए तुम्हारे पास? वो जाएंगे हाईकोर्ट, अब हाईकोर्ट में ये मामला जाएगा। भाई आपको बोल गया कोई कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, ऐसे बोल गया आपको? बिल्कुल बोल गया। आप क्या समझ रहे हैं, हमारे पास लोग नहीं आते, तमाम परिजन आते हैं, तमाम हमारी सुबेरे से बात होती है, सबसे कोई खुश नहीं है। आपको सारी चीजें सब कुछ आपको ही पता है। आजकल आप ही वो हिट एंड रन की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह शिकुफा छोड़ो और भाग जाओ, ऐसी वाली राजनीति कांग्रेस। रविंद्र जी ये कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं कहा जा रहा है, ये सारी चीज पुलिस परिजनों की ओर से आ रही है। पुलिस पर तो तुम यार, उन्हें चाहिए 5 लीटर, तुम कह रहे हो पाव घर बहुत है, कैसे होगा पाव घर में, कैसे चलेगा परिवार? भाई उनकी 5 लीटर की, इस प्रदेश का राष्ट्रवादी पुलिस वाला एक जो राष्ट्र को प्रेम करता है, प्रदेश को प्रेम करता है, वो कह रहे हैं कि उसे पैसा चाहिए, उसे सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ, नहीं नहीं बिल्कुल कह रहे हैं। 4600 ग्रेड पे की मांगे आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों 4200 किया तुमने उनको? नहीं, क्या समस्या है सरकार की? वो भीख मांग रहे हैं, उनका अधिकार नहीं है। आप बोलिए पुलिस कर्मियों का अधिकार नहीं है, नहीं देगी उत्तराखंड सरकार। आप घुमा क्यों रहे हैं, स्पष्ट करें, बोले नहीं देगी, कभी नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी पुलिस कर्मियों को उनका हक नहीं मिलेगा। तिलक जी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये ऐसे ही घुमाएंगे उनको मच्छीदार बातों में। शिषपाल जी, क्यों कांग्रेसी जो है नेगेटिव परसेप्शन की पतंगे उड़ाने को तैयार है? हम शिषपाल जी मान के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि उनके साथ क्यों खड़े हैं? मतलब अगर कोई पीड़ित है, किसी की जायज मांग है,
एक मिनट रविंद्र जी, शीशपाल जी, दरअसल रविंद्र जी कह रहे हैं और तमाम भाजपा इस बात को कह रहे हैं कि आप जानबूझकर विवाद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर कम से कम जो उनका मनोबल है ना गिरे, पूरे राज्य की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप सिर्फ उस पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, आपको चिंता इस बात की? देखिए तिलक जी, मनोबल तो पुलिस वालों का तब गिर रहा है ना, बेचारे 2 साल से लगातार आंदोलनरत हैं, ये कभी अनुशासन के डंडे से उनको डराते हैं, कभी ये झूठी घोषणा से उनको जो शांत करते हैं, कभी वो फिर खड़े उनके परिजन होते हैं तो उनके लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। अरे भाई ये कब तक चलेगा, ये जायज मांग को मानते क्यों नहीं है, दिक्कत क्या है ये बताए ना। एक मिनट सर, आपने वादा तो 4600 ग्रेड पे का किया था ना रविंद्र जी, तो आप आ गए 4200 पर पहली बार, अब वो कह रहे हैं कि हम 7 साल तक भड़काएंगे, क्या 7 साल से यही आंदोलन हो रहा है, 7 साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं, तो 7 साल से कांग्रेस वाले थोड़ी ना भड़का रहे होंगे इनको रविंद्र जी? नहीं देखिए, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई भड़का रहा है या नहीं भड़का रहा, सबको अपने अधिकार की बात करना उसका अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से ये देखिए एक बात को, अब इनकी बातों में कितना कंफ्यूजन है, मैं इससे बात से कह देता हूँ, ये कह रहे हैं कि किसी की मांग को मांगना और उसे सस्पेंड कर देना, देखिए विभाग है, मैं बार बार कह रहा हूँ वो एक विभाग है, वहां पे अनुशासन जो उसकी अपनी पुलिस की अपना अनुशासन का नियम है, हर एक विभाग में होता है, आपकी कांग्रेस में भी है, आपसे गुलाम नबी आजाद जी ने आपसे प्रश्न किया, आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। आप किसी भी दल का, किसी भी विभाग का, किसी भी उसका अपना एक अनुशासन, वो अनुशासन के आजाद का क्या लेना देना रविंद्र जी, तो उसकी बात को सुनी जाती है। रविंद्र जी मसला पुलिस विभाग का है, आप गुलाम नबी आजाद पे पहुंच गए, उनसे क्या लेना देना गुलाम नबी आजाद से, उनको निकाला गया। तिलक जी जिस मामले पे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं शायद इनको जानकारी नहीं है, जो आप पुलिस कर्मी थोड़े ना आंदोलन कर रहे थे, वहां अनुशासन जब उनके परिजन थे, परिजन मांग कर रहे थे, परिजन किस अनुशासन के दायरे में आएंगे बताइए आप, परिजन अगर अपने समस्या को लेकर के सड़कों पे हैं, परिजनों को परेशानी हो रही है, तो आप मतलब परिजनों की मांग का डंडा आप पुलिस कर्मियों पे चलाएंगे क्या? ये कहां का अनुशासन हुआ, ये किस प्रकार का अनुशासन है आप बताइए, ये क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई है? तो ये तो डराने की बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधी सी बात है, जैसे आपके डीजी कह रहे हैं, ये इनके भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो सीधी सी बात कही है ना कि हम नहीं मांगेंगे, नहीं मानेंगे इस बात को। पुलिस विभाग का है, पुलिस का अधिकारी है, जिससे उसने काम लेना है, उनका अनुशासन का एक अपनी डायरी है, अनुशासन की। ओके मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फाइनल कमेंट तो परिजनों को धमकाएगा, पुलिस कर्मियों के परिजनों को धमकाएगा, उन पर अनुशासन का दंड। तो आप डीजी के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं क्या? आप डीजी के खिलाफ आंदोलन करने? एक मिनट रविंद्र जी, शीशपाल जी, अगर ये मसला कोर्ट में चला गया जैसे कि बात शीशपाल जी कह रहे हैं, तो फिर तो ये उलझ गया ना मसला, सुलझा थोड़ी ना रविंद्र जी, कि नहीं? देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए कोर्ट कानून अपनी बात कहना, संवैधानिक तरीके से कानून के अंतर्गत सबका राइट है, सबका अधिकार है, अब इसमें अगर किसी को कोई लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, और पुलिस के अपने अनुशासन के अंदर कानून के अंतर्गत कोई भी कोर्ट जाए या अपने उच्च अधिकारी से बात करे या माननीय मुख्यमंत्री के आगे बात रखे, तो उसका अधिकार है, मैं इस विषय में क्या बोलूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था ना 4600 ग्रेड पे का, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था ना चुनाव से पहले, तो होमवर्क करके किया होगा, तो बिना होमवर्क के उन्होंने कैसे ये बात बोल दी कि 4600 ग्रेड पे देंगे, और फिर 4200 आप कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि रास्ता सुलझ गया। देखिए आप एक तिलक भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, 4600 रुपए के लिए बात कही थी, आज आप एक बात तो देखिए, आप अगर 4600 रुपए के साथ साथ आज आपके पास एक एएसआई की एक नया पद भी है, जिसपे आपको जो है सम्मान रूप से जो है, तो सर सम्मान उनको 4600 में दिखाई देता है, आप 4200 देकर कर रहे हैं, ये तो वादा खिलाफी हुई ना सर। नहीं, देखिए वादा खिलाफ, देखिए इस विषय पे बहुत सारे विभाग के एक्सपर्ट, पुलिस विभाग के एक्सपर्ट,
और जितने भी इसमें चुनाव बनाने वाली कमेटी होती है या जो इसमें लोग शामिल होते हैं उन लोगों की राय है। अब इसमें मैं और आप यहाँ पे एक इसमें बहस में बैठ के इस विषय को कैसे बता सकते हैं कि 4200 और 4200 और 4600 रुपए में क्या अंतर है, मेरी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा तो 4600 रुपए का देखिए 4600 रुपए कोई नहीं बोला था। आप अगर इस पर मान करेंगे उनकी डिमांड भी 4600 रुपए की, 4600 रुपए की डिमांड को उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे जो है इस काम को करेंगे, इस आंदोलन को आप किसी भी प्रकार से। अच्छा तो आपने नहीं बोला था 4600 उनकी डिमांड थी, आपने नहीं बोला था 4600 उनकी डिमांड थी? नहीं नहीं, जो भी डिमांड थी या जो उनका हक बनता था ये उस समय जब उन्होंने अपनी मांग रखी थी तो उसमें हाँ करी गई थी। लेकिन जब उस देखिए किसी भी चीज की जब डिमांड होती है या किसी की मांग होती है लंबे समय से चली आ रही है जो 10 साल 20 साल या जो भी उनका टाइम पीरियड इस अनुसार सेट था तो उसको एक 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 एक्सपर्ट कमेटी ये जो उस पे बैठ के अपना शीशपाल जी तय करती है। आपको क्या लगता है ये रास्ता निकल कैसे सकता है जब आप कह रहे हैं बोगड़ा जी ने बहुत अच्छा काम किया था उस वक्त? नहीं तिलक जी देखिए उस जियो का इनको संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए उसके बाद 2013 में जो जियो आया था कर्मचारियों के हक में उसके बाद तो कोई सरकार का विवाद नहीं हुआ ना। ये तो त्रिवेंद्र सरकार में जब 7th पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद नया जियो जारी हुआ उसके बाद ये दिक्कतें आई हैं और उसके बाद पुलिस कर्मी आंदोलन पे उतार हुए थे। आपको पता पूरे प्रदेश का पुलिस विभाग आंदोलन पे आया था तब किसी प्रकार से इनको जो है समझाया बुझाया गया था नहीं भाई हम देर सवेर इतना समय दे दो उतना समय दे दो हम डिमांड मानेंगे। फिर 2021 में मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा कर दी कि हम आपके ग्रेड पे की मांग को पूरा करेंगे। अब आप देखिए कि बीच में फिर इनके परिजन उतरे थे उनको बेचारों को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। अब अगर किया भी है तो फिर भी आधी अधूरी मांग पूरी करी है तो आप देखिए जिससे पुलिस कर्मी खुश नहीं है और आप देर से देर वो कोर्ट का रुख करेंगे ये निश्चित है इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि रास्ता समझेगा नहीं लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिनके हक में ये फैसला या फिर उनको ये कबूल है या फिर नहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सियासत तो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशपाल जी आपका भी रविंद्र जी आपका भी। लेकिन उत्तराखंड के भीतर ये मुद्दा इतनी आसानी से सुलझ जाएगा आसार तो लगते मुश्किल है लेकिन फिर भी सरकार की ओर से प्रयास किया गया है। लेकिन ये प्रयास अब उन पुलिस कर्मियों के घर वाले और परिजन को संतुष्ट कर पाएगा जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी देखिए पिक्चर बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।